खमा घणी प्रणाम नमस्कार आप सभी को अंशु हर्ष का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का बहुत स्वागत है और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर जयवीर एस राठौड़ का जो हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा की कुछ पंक्तियां हैं कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। ये पंक्तियां मैं उन सभी लोगों को डेडिकेट करती हूँ जो अपने घर से दूर, परिवार से दूर, एक नया परिवार बसाकर विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके मन में आज भी अपनी जगह की, अपनी जमीन से जुड़ने की तमन्ना है और उस जमीन के लिए कुछ करने की तमन्ना है। तो ऐसी ही एक संस्था है डोरी, जो बांध के रखती है उन सभी प्रवासियों को जो राजस्थान से जुड़े हैं, अपनी जमीन से जुड़े हैं। डोरी का मतलब है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल रह रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स हैं और अपनी जमीन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसी एसोसिएशन के मेंबर हैं डॉक्टर जयवीर राठौर। डॉक्टर जयवीर, आपका बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। धन्यवाद। इस सेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे सभी व्यूवर्स के लिए भी और राजस्थान के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप राजस्थान से निकले हुए और आज आप डायरेक्टर हैं एपिलेप्सी डिवीजन के, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ के अनुभव आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे इस सेशन के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। और डोरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, और उसमें मेरे काफ़ी काबिल सदस्य हैं, पूरी दुनिया भर से हैं, पूरे जो मेन 5 कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से इन्वॉल्व करते हैं सारे डॉक्टर्स। तो ये जो मुहिम जो शुरू की है हमने सभी ने मिलके राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलकर, उसका उद्देश्य ये है कि जो दुनिया भर के अंदर जो मेडिकल के अंदर जो प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसको किस तरह से हम राजस्थान में ला सकें, अपनी मातृभूमि में ला सकें, और हेल्थ केयर जो सेक्टर है राजस्थान का उसका और हम प्रोग्रेस कर सकें उसके अंदर। तो यही एक कोशिश थी जिसके अंदर हम डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल बहुत ही शुक्रगुजार हैं राजस्थान फाउंडेशन के, उनकी जो लीडरशिप है, धीरज सिंह जी हैं आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो बस यही कोशिश शुरू की है, अब देखें आगे धीरे धीरे, यू नो, कोशिश यही रहेगी कि सारे मिल के काम करें। और सैकड़ों डॉक्टर्स हैं राजस्थान के जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबको और जोड़ा जाए। हालांकि ऑलरेडी हमारे कई फ्यू हंड्रेड डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं इसके साथ में, और बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोर कमेटी अलॉन्ग विद माय अदर वेरी यू नो टैलेंटेड फ्रेंड्स इन द कमेटी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत लंबी यात्रा हमेशा पहले कदम, एक कदम से ही शुरू की जाती है, तो ये यात्रा बहुत लंबी चलेगी और ये डोरी बहुत मजबूत होगी, हमारी यही कामनाएं हैं। तो ये जो डोरी का माध्यम है, जो इस कोरोना के कठिन समय में आपने
राज्य के लिए आप लोग जो प्लान कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग्स आपने कर रखी हैं इसमें कि हम अपने राज्य के लिए ये करने वाले हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है कि इसके अंदर हमारे जो सबसे आज की जो तारीख के अंदर जरूरत है राजस्थान के अंदर, स्पेशली ये जो COVID-19 का जो पैंडमिक का समय है, इसने हम सबको चेताया है एक तरह से, और ये भावना जागृत की है कि हम सब मिलके कुछ करें। तो हम नॉट जस्ट COVID-19 बट सारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, यू नो, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्री, मानसिक रोग, ड्रग एडिक्शन, सभी को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पर रियलिटी की हम उसकी जो समीक्षा करेंगे, वहाँ के जो राजस्थान में जो अभी हमारे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके, अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे अभी जो मेजर टारगेट्स हैं, स्पेशली जो मेरी फील्ड को मैं कर रहा हूँ, उसमें न्यूरोलॉजी है, और उसके अंदर जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो सीजर्स को लेके है, एपिलेप्सी, जिसको राजस्थान में अपन हिंदी में मिर्गी रोग कहते हैं। तो उसके अंदर क्या लेटेस्ट टेक्निक्स हम कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, ये बड़ी मेहरबानी रही मुझ पर कि मैं इस फील्ड के अंदर मेरी ट्रेनिंग अमेरिका के नंबर वन हॉस्पिटल में की है मैंने, जैसे जॉन्स हॉपकिंस कहते हैं, और दूसरा जो हार्ट का बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ से भी मैंने की है, सो दो फेलोशिप की हैं। और यहाँ जो अमेरिका वर्ल्ड की एक्चुअली सबसे बड़ी जो सीजर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन एपिलेप्सी सोसाइटी, उसके अंदर भी मैं कमेटी मेम्बर हूँ। तो वो सब जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला है, सीखने का मौका मिला है, उसे मैं राजस्थान लाके अपने सहयोगियों के साथ में वो सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराने का हमारी इच्छा है। तो हर स्पेशलिटी के अंदर हम इसे देखेंगे। हमारे साथी हैं जो स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हैं, यू नो, डॉक्टर रवि शेखावत हैं सिंगापुर से, फिर डॉक्टर रोमित पुरोहित हैं दुबई से स्पोर्ट्स मेडिसिन में, फिर डॉक्टर सपना जी हैं पुरोहित कैलिफोर्निया से साइकेट्री के अंदर। तो हम हर फील्ड के अंदर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और ग्राउंड रियलिटी का समीक्षण करके उसके हिसाब से फिर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये प्लान। बिल्कुल, एपिलेप्सी जो मिर्गी रोग है, राजस्थान के रूरल एरियाज की मैं अगर बात करूं तो आज भी बहुत से मिथ इस रोग के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास इस चीज का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आपने बहुत रिसर्च किया है, स्टडीज की है, तो अपने अनुभव के आधार पर एक अवेयरनेस के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे रूरल एरियाज के लिए, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए जो राजस्थानी हैं, क्या है एग्जैक्टली ये रोग? बिल्कुल, सो ये एक दिमाग अपने यू नो ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो ब्रेन जो है बहुत ही इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, और पूरी जो आप बात करते हो, देखते हो, अपने हाथों को कंट्रोल करते हो, पाँव को कंट्रोल करते हो, हर चीज जो है इलेक्ट्रिकली ब्रेन कंट्रोल करता है, और ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही सामंजस्य के साथ काम होता है, बहुत ही हाई स्पीड, लाइटनिंग स्पीड के साथ जो है न्यूरॉन्स जो है नर्व्स के साथ कनेक्शन रखते हैं। कभी कभी किन्हीं कारणों की वजह से ये जो कनेक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो ख़राब हो जाता है, किसी पर्टिकुलर एक पार्ट ऑफ द ब्रेन में हो सकता है, या हो सकता है पूरे ब्रेन में हो। तो इस तरह से दो तरह के ये बीमारियाँ होती हैं, एक तो फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन से हो रही हो, या फिर पूरा जनरलाइज एपिलेप्सी बोलते हैं अगर पूरे ब्रेन से हो रही हो। तो वो जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की तरह से आप मान लीजिए, तो उससे क्या होता है कि आदमी यू नो बेहोश हो सकता है, पूरे उसमें बॉडी में शेकिंग हो सकती है, जिसे लोग हर कोई जानता है कि मिर्गी में कैसे आदमी गिर के पूरी शेकिंग होती है बॉडी में, मुंह से झाग निकलने लग जाता है, सांस नहीं ले पाता है, और काफ़ी 2-3 मिनट चलने के बाद में वो सीजर बंद होता है, फिर धीरे धीरे जो है पेशेंट वापस अपने होश में आता है। तो ये बहुत ही आदिकाल से ये चली आ रही है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, और बहुत कॉमन है एक्चुअली, 1% के आसपास पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर ये है। तो करीबन हम लोग यहाँ जो कहते हैं 65 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, तो हर 100 में से एक आदमी, और पूरी उम्र के अंदर 100 में से यू नो 26 में से एक आदमी जो है ये बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन उससे लेके जो मिथ्याएं हैं, उससे लेकर जो लोग बातों को इसको छुपाते हैं कि भाई ये बहुत ही बुरी बीमारी है इसलिए इसका पता ना चले, गुप्त रूप से इसका इलाज करवाते हैं और कई लोग नहीं करवाते हैं समय पे, तो इससे का बहुत बुरा असर होता है दिमाग के ऊपर, और कई बार उनकी जो सोचने समझने की शक्ति हो तो रो जाती है,
मेमोरीज उनकी जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो इसके यहाँ तो यूएस में तो और इंडिया में भी लीगली यू कैन नॉट ड्राइव इफ़ यू हैव दैट. सो बहुत अफेक्ट करती है एक आदमी को. और शादी ब्याह में तकलीफ होती है, लोग छुपाते हैं इस बात को. और कई मिथ्याएं हैं कि कोई सुपरनैचुरल पावर या कोई भूत या पता नहीं किसी ने कब्जा कर लिया हो. और ये हिस्ट्री में अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली तो वर्ड सीजर उस चीज़ से ही निकला है कि ओल्ड टाइम में रोमन्स में ग्रीक के अंदर वो सोचते थे कि कोई डेमन पावर जो है जो प्राकृतिक के जो होते हैं वो उन्होंने सीज कर लिया है, इनको पकड़ लिया है इस मनुष्य को, तो उस वजह का नाम सीजर पड़ गया. तो वो सब मिथ्याएं हैं, वो चली आ रही हैं, कई लोग अभी भी इस चीज़ को मानते हैं. तो हमारा डोरी इनिशिएटिव के थ्रू ये एक ध्येय रहेगा कि हम लोगों को बताएं इसके बारे में कि भाई ये जस्ट किसी और लिवर हार्ट या किसी और ऑर्गन की किडनी की तरह बीमारी, दिमाग की बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है. और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर करीबन 2/3 केसेस में जो है पेशेंट्स दवाई से अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं. और जो 1/3 जो नहीं होते हैं उसमें फिर और टेक्निक्स हैं, सर्जिकल टेक्निक्स हैं जो हम लोग यहाँ करते हैं. और आज की तारीख में जहाँ तक मुझे ध्यान है राजस्थान में सर्जिकल टेक्निक बहुत लिमिटेड हैं और नहीं होती हैं. मेडिसिन का अभी भी चलता है और हमारे कई अच्छे लाइक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं. लेकिन मेरा ये गोल रहेगा कि मैं ये जो लेटेस्ट जो 1/3 जो लोग इलाज से कंट्रोल में नहीं आते हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, वो टेक्निक्स हम यहाँ से लेके आएँ और उनकी जो लाइफ में जो सुधार कर सकते हैं वो हम करें. बहुत ही खूबसूरत बात. आपने बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस किया है मेडिकली भी, क्योंकि स्टडीज वहाँ की हैं, काम वहाँ पे किया है अब्रॉड में. तो हिंदुस्तान की मेडिकल टेक्निक्स, राजस्थान की मेडिकल टेक्निक्स और बाहर की मेडिकल टेक्निक, इनमें आप कितना अंतर पाते हैं, कितना डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इन चीज़ों को? तो यह बहुत अच्छा सवाल है. हमारी एक्चुअली जो बेसिक ट्रेनिंग है, हम सभी जो बाहर जो फॉरेन डॉक्टर्स हैं वो राजस्थान या इंडिया के किसी और राज्य से हुई है. मैं खुद मैंने हाई स्कूल जोधपुर से किया है और मेरा मेडिकल स्कूल मैंने CPMT के थ्रू अहमदाबाद से किया था. और पहले की जो मेरी स्कूलिंग है पूरी अलग अलग राज्य में हुई है. तो जो डिफरेंस हम देखते हैं राजस्थान इंडिया के डॉक्टर्स में, क्लिनिकली बहुत ही साउंड होते हैं, क्लिनिकल बहुत स्ट्रांग होता है राजस्थान और इंडिया के डॉक्टर्स का. बिकॉज हमारा जो पूरा देखने का जो तरीका है, क्योंकि पेशेंट नंबर्स इतने होते हैं, अगर आप SMS कभी गए हैं या किसी भी हॉस्पिटल में गए हैं तो आपने देखा हो कि लंबी कतार होती है और डॉक्टर्स के पास 2-4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होता, तो उन्हें जल्दी से सुन के पेशेंट की कहानी और उसको दवाई लिखनी होती है. वो डिफरेंस यहाँ पे अलग है. यहाँ पे एक मरीज़ आता है तो हम उसको आधा घंटा 40 मिनट देते हैं, तो पूरी बातें सुनते हैं, कई चीज़ें होते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब देना होता है. तो थोड़ा सा पॉपुलेशन की लिमिटेशन है, क्योंकि समय में कितने में समय में आप देख पाओगे. तो इंडिया के डॉक्टर्स बहुत सारे मरीज कम समय में देखते हैं, तो उनका क्लिनिकल जो यू नो एप्टीट्यूड होता है जो बहुत अच्छा होता है. दूसरी चीज़ें फिर जो केयर में आती हैं वो होती हैं इन्वेस्टिगेशंस. आप MRI करवा रहे हैं, आप EEG करवा रहे हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा भारत में लिमिटेशन भी होती है. कुछ लोगों को फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं और दूर दराज के एरिया के अंदर जो एडवांस MRIs हैं, CT scans हैं, उनको लिमिटेड हैं, तो उन्हें बड़े शहरों में आना पड़ता है और बड़े शहरों के अंदर भी फिर डिमांड ज़्यादा है, महंगे हैं, यू नो हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के पास नहीं है. तो वो सारी चीज़ें देखते हुए डॉक्टर को अपना इलाज करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के ऊपर तो आप सारी चीज़ें नहीं करवा सकते. तो विदेशों में ये थोड़ा सा फ़ायदा रहता है हमें कि हमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसका काफ़ी हेल्प मिलती है, तो हम एक बेटर केयर दे पाते हैं. तो एक ये चीज़ को हमको देखना है कि किस तरह से हम राजस्थान के डॉक्टर्स को सपोर्ट कर सकें इस चीज़, ये जो चैलेंज जो वो फेस करते हैं, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी हम ला के उनको दे सकें ताकि वो एक हायर लेवल की जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो उसको प्रोवाइड कर सकें. तो डॉक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें थोड़ा सुधार करना है. तो उसके अंदर हम सब डॉक्टर्स जो हैं डोरी के वार्ड माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि हम किस तरह से फंड रेज कर सकें, हम किस तरह से सारे डॉक्टर्स अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकें कि ये, क्योंकि ये दो अलग एक्सपीरियंस हैं टोटली, तो उनको हम किस तरह से एक साथ ला सकें ताकि जो पेशेंट को इसका फ़ायदा मिले. तो ये हमारी
आपसे जब चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि आप उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जहां से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई। बिल्कुल, तो वो उस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक अवेयरनेस आप बताएं कि किस तरह से एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कितना टेंशन वाला काम है एक कॉमन मैन की तरह अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सुनते ही हर हिंदुस्तानी या हर किसी के दिमाग में सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है कि अब हार्ट प्रॉब्लम हो गया। सो ये हार्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें तो इट इज द नंबर वन किलिंग डिजीज इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। तो उसके लिए हमें जो हमारी जो जागरूकता है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। कई लोग कुछ तकलीफें चलती रहती हैं, उसको दिखाएंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके डिले करते रहते हैं। तो ये सही में हमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैं काफ़ी लकी रहा कि मैं जब यूएस आया यहाँ पे तो मुझे यहाँ के नंबर वन और नंबर टू हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो जो क्लीवलैंड क्लिनिक है जहाँ से मैंने मेरी पहली फेलोशिप की थी वो हार्ट का नंबर वन हॉस्पिटल है पूरी दुनिया का। तो आपने एंजियोग्राफी जो सुनी है वो डॉक्टर मेसन सोन थे यहाँ पे, उन्होंने पहली बार, और ये भी जैसे मेडिसिन में कहते हैं सेरेंडिपिटी, तो गलती से हुआ था। एक जो डाई डालनी थी वो गलत जगह चली गई, तो उससे पहले तो कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट को टेबल पे, पर उसको रिवाइव कर लिया गया बिकॉज ऑपरेटिंग टेबल में ही था। लेकिन उस समय जो उन्होंने पिक्चर्स ली उससे पता चला कि हार्ट की जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज हैं, आप उनको पिक्चर्स देख सकते हो कि कहाँ क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो वो एक जो इन्वेंशन हुआ था कोरोनरी एंजियोग्राफी का, वो यहाँ क्लीवलैंड क्लिनिक में हुआ था। और उसके बाद जो बहुत मेजर सर्जरी है हार्ट की, बाईपास सर्जरी जिसे हर कोई जानता है, और मेडिकली उसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग CABG कहते हैं, वो भी डॉक्टर फेवलरो थे क्लीवलैंड क्लिनिक में, एक अर्जेंटीनियन डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले किया। और आज पूरी दुनिया में होता है, जयपुर में होता है, हर जगह राजस्थान में, वर्ल्ड में होता है, और सैकड़ों लोगों की इस प्रोसीजर से जान बची है। तो ये इस तरह के जो इन्वेंशन जो दुनिया भर में होते हैं, तो उसको जो है हमारी कोशिश रहेगी कि वो जो हमने एक्सपीरियंस देखा है, ऐसे महारथियों के साथ बैठ के उठ के हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो हम शेयर करें राजस्थान के साथ। और दूसरा, जो मैंने फेलोशिप की थी वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा नंबर वन रहे हॉस्पिटल जॉन्स हॉपकिंस से की थी। और जॉन्स हॉपकिंस देखा जाए तो जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर विलियम ओसलर, उन्हें मॉडर्न मेडिसिन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसर्जरी डॉक्टर हार्वी कुशिंग, वो यहाँ के न्यूरोसर्जरी के। तो और यहाँ पे 46 नोबेल लॉरिएट्स इस हॉस्पिटल से हैं, और मैं दो के साथ मैंने बातचीत भी की है, उनमें से एक के साथ जो हमारे न्यूरो फील्ड के हैं उनके साथ मेरे रिसर्च आइडिया शेयर किए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप नोबेल लॉरिएट के साथ बैठ के अपने आइडिया शेयर कर रहे हो और वो आपको आपका फीडबैक देते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो वो एक एक, एक चीज़ है जो कहीं नहीं मिल सकती आपको, यू नो, वो एक अलग ही बात है। तो ये सब चीज़ें, फिर ऊपर से आपने सुना होगा कि जो CPR होता है, जो कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो किसी को रिवाइव करने के लिए CPR किया जाता है, तो वो जो अब रोमित सा कह रहे हैं मारवाड़ी में बात करूं तो बिल्कुल मैं मारवाड़ी में बात कर रहा, लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन है आ मैं हिंदी में दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बात जी की मैं दो तीन जिका पर्सनल क्वेश्चन है जिका जोधपुर हूँ है जिका योर स्टूडेंट जिससे सारी जो वैक्सीन बनती है उसकी शुरुआत जो है वो जॉन्स हॉपकिंस से हुई थी। तो ऐसी जगह पे आप जब उसके गलियारों में घूमते हो, वहाँ के जो लोगों के वो एक अलग ही माहौल होता है उसमें, तो आपको कुछ और करने के लिए, कर गुजरने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप ऐसी जगह पहुंचे हो, यू नो, जोधपुर से निकल के मकराना तहसील में मेड़तिया राठौड़ और यू नो छोटे गांव से निकल के आप वर्ल्ड के नंबर वन हॉस्पिटल में के गलियारों में घूम रहे हो, आप वहां डॉक्टर हो, तो वो अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है। और देख के पीछे देख के अपने साथियों को जो यंगस्टर्स हैं राजस्थान के, उनको यही कहना चाहूँगा कि ड्रीम बिग, कभी मत सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है, कोशिश करो, आप दुनिया के यू नो
कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, आप जस्ट अपनी तरफ से पूरी सिंसियर कोशिश करो। तो ये है। और दूसरा जो जॉन्स हॉपकिंस में आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स राउंड पे जाते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप कहते हैं कि राउंड डॉक्टर्स आर राउंडिंग, वो शब्द यहाँ से निकला था कि डॉक्टर जो जॉन्स हॉपकिंस की जो मेन बिल्डिंग है उसमें सर्कुलर है और सारे पेशेंट्स के रूम जो हैं वो सर्कल में हैं, तो डॉक्टर्स जब आते थे तो सर्कल में पेशेंट देखते थे, तो कहीं से वो शब्द निकला कि डॉक्टर्स आर राउंडिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में अब हर कोई यही कहता है कि डॉक्टर्स आर राउंडिंग, डॉक्टर्स राउंड पे आएंगे, बाद में बात करेंगे, जो भी है। तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। और हमारी यही कोशिश है कि ये तो सिर्फ एक मेरा एक्सपीरियंस है, इसी तरह से कई अच्छे एक्सपीरियंस जो हैं हमारे सिंगापुर के साथियों के हैं, दुबई के साथियों के, इंग्लैंड के साथियों के, ऑस्ट्रेलिया के साथियों के, वो सारे जब बैठ के राजस्थान के डॉक्टर्स के साथ में हम रूबरू ये बातें करेंगे, तो और वहाँ के स्टूडेंट्स से हम बातें करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि भाई हम भी आप ही की तरह सिंपल, हमने भी यहाँ से 10वीं 12वीं की थी, हमने भी यहाँ से PMT की थी, और आज हम ये कर रहे हैं, आप भी कल करेंगे और आप फ्यूचर हो, आप लेके जाओगे इसे आगे। तो एक एक वो कोशिश है इस डोरी के माध्यम से। जैसा आपने बताया कि नागौर जिले के छोटे से गांव से आप भी आते हैं, मैं भी वहीं से आती हूं, और अगर मैं बात करूं विश्व विख्यात होने की, तो आप तो उस परिवार से हैं जहां से मीरा भाई ऑलरेडी विश्व विख्यात हैं, अपने आध्यात्मिक पक्ष को लेके, अपनी लेखनी पक्ष को लेके, अपने भक्ति मार्ग को लेके, तो आप उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे लगी, क्योंकि एक ऐसे परिवार से आना और मेडिकली उसको बहुत आगे तक आप लेकर गए हैं, ड्राइव किया है, ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है, और पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा राजस्थान आप पे प्राउड करता है। आपको कैसा लगता है, आप कितनों मिस करो आपने गांव ने, जोधपुर ने, और आपने जिकाटे संगी साथी परिवार ने? घणो मिस करा सर, मारो आदो परिवार राजस्थान रे माने जे, और दादा भाई जयपुर रेवे राजा, मम्मी मारा गांव भी राजा, जोधपुर में घर है अपनो। और ये आप बतायो जो हिस्ट्री में थोड़ा सो मैं जाऊं, तो राव जोधा जी जो जोधपुर राजा हा, मका भाई राव दूदो जी, तो माने बेटा मेड़ता दियो भी टाइम कि आप मेड़ता पधारो, तो बांका पांच बेटा हा, बामो एक हा राव रतन सिंह जी राठौड़, राव रतन सिंह जी की बेटी ही मीरा बाई, मीरा कंवर राठौड़ जो राणा जी के नायड़ा हा। तो मैं जो मेड़तिया राठौड़ा, क्योंकि हम राठौड़ा के मायने भी अलग अलग राठौड़ याद करें, तो मैं मेड़तिया राठौड़ा, तो मैं डायरेक्टली जो जीनियोलॉजी है हमारी वो मेड़ता मेड़ता से है, और मेड़ता में मीरा बाई का वंशज बहुत ही जो को लागे माने ही सोच रहे, यू नो, पर कई जनरेशन मायने भूल रही बीच में, क्योंकि मैं कॉमन मैन बनगा और पुराना तहसील में छोटो सा गांव, पर अगर आप उन्हें ट्रेस करो तो मैं मेड़ता का राठौड़ और राव रतन सिंह की वो परिवार है। तो बहुत ही खुशी की बात है, गर्व हुआ ये चीज रमायने की कटे माँ का जीन जीन जीनों में मीरा बाई का भी जीन शेयर करता हूँ लकायटा, यू नो, तो अध्यात्म के रूप में, और बहुत अच्छी बात है, माने खुशी हुई चीज को। तो मैसेज वही है सर कि आप अपने रूट प्राउड फील करो, आपने गर्व होना चाहिए कि आप भले ही आप छोटा सा, हर कोई 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 ना कोई छोटी जगह आवे, और शुरुआत छोटी हुई आकर है ज्यादातर, यू नो, बड़ी शुरुआत तो बहुत कम लोगों की हुए, ज्यादातर शुरुआत छोटी हुए, और आपने ये चीज ने ले बहुत ही गर्व करना चाहिए, और माने बहुत गर्व है वहाँ राजस्थान राजस्थान की जो हिस्ट्री अभी को। बिल्कुल सर, मीरा भाई, क्योंकि मैं खुद मेड़ता हूँ, बिलोंग करूँ, और इन चीजों मने गर्व है कि मैं उन जगह हूँ कि मैं जटरी मीरा भाई की, और आप तो उन परिवार का वंशज हो, तो गर्वी बात है, तो बिल्कुल मानना पड़े। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बदमाश होते हैं और उतने ही सिंसियर भी होते हैं स्टडीज को लेकर, तो आपने कैसे बैलेंस की अपनी इस स्टूडियस लाइफ के साथ अपनी जो मेडिकल की एक एंजॉयबल जर्नी होती है उसको? हाँ, ये है कि आई मीन जितने भी आप देखें जो प्रोफेशनल फील्ड्स में लोग जावे, हर कोई रो आपनो एक एक फील्ड रो कोई इंटरेस्ट हुआ करे। मैं बायो रे माने मारे नेचुरल इंटरेस्ट हो, यार मैथ रे माने तो को नहीं हो, तो
जितना भी मेडिसिन में आवे सगड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्टेड तो हुई है, ठीक है। एर जो ओवरऑल जो आप देखो कि भाई वेरिड इंटरेस्ट भी हुए आदमी जी, हाँ पहले आप रोमित साहू बात कराए जना के कई इंटरेस्ट था बचपन में, तो सेम वे यू नो व्हेन यू हैव ए इंक्विजिट माइंड यू बेसिकली आर क्यूरियस एंड यू एक्सप्लोर थिंग्स एवरी टाइम यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग यू वांट टू बिकम दैट। तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन ब्रेन को देखो तो बच्चा छोटा होता है तो शुरू से वो पहले सुपरमैन और जितने भी होते हैं वो बनने की कोशिश करता है, फिर मूवीज देख के पुलिस इंस्पेक्टर बनने की कोशिश करता है, हीरो बनने की कोशिश करता है, फिर जैसे जैसे रियलिटी आती है आदमी को पता चलता है कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है और रियलिस्टिकली इट मेक्स सेंस टू बी दैट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैं शुरू में इंटरेस्ट था मुझे काफ़ी, मैं स्टेज पे रहता था, मैं एकेडमिक्स में अपने स्कूल में रिप्रेजेंट करता था, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, फिर कई प्रोग्राम वगैरह स्केट प्ले मिमिक्री ये वो कई चीज़ें शौक के तौर पे करी हैं। एक बार MTV शो में मिस इंडिया के साथ में भी शो किया था मैंने तो और कुछ दिनों के लिए बॉम्बे भी गया था और कुछ TV सीरियल्स और कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स से भी बात हुई थी, और वहाँ मैंने ये रियलाइज किया कि आप यू नो स्ट्रगल वाली जिंदगी है वहाँ पे, और आप जो क्या पता उसमें यू नो इतना, अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके कनेक्शन इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है उस स्ट्रगल में लाइफ वेस्ट हो जाए आपकी। तो डिसाइडेड कि मैं वो करूँगा जिस चीज़ का मुझे पैशन है, जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। तो बायोलॉजी से ऑफकोर्स आप मेडिसिन में आपका इंटरेस्ट बन जाता है, तो उस चीज़ को परस्यू किया उस समय। और बस ये बाकी कई शौक्स जो होते हैं उस समय कि भाई आप दुनिया देखें, आप घूमें, फोटोग्राफी करें, तो ये सारे शौक हैं जो अब पूरे कर रहा हूँ मैं अमेरिका में 50 में से 49 स्टेट्स घूम चुका हूँ, इंक्लूडिंग अलास्का इन विंटर। तो मैं कईयों से कहता हूँ कि भाई अलास्का कई लोग घूमते हैं लेकिन समर में जाते हैं, और विंटर में आप जाएं और वो डॉग स्लेजिंग होती है वो करें, और कई कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो विंटर्स में आप कर सकते हैं। तो घूमने का शौक़ है और फोटोग्राफी का शौक़ है, ऑफकोर्स मेरी फील्ड का जो है वो मेरा पैशन है सबसे ऊपर। तो अब लिविंग द ड्रीम कहते हैं वो चल रहा है अब आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ अचीव किया है अभी लाइफ में, लेकिन अब भी कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो अधूरे हैं, उनको अभी पूरा करना है, वो क्या है? अभी भी कई ख्वाब हैं सब, ये एक बेस बन गया है, सो दैट इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू यू नो परस्यू दोज ड्रीम्स। तो एक उसमें ये है कि भाई हम सभी जितने भी डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं परिवार वालों से, दोस्तों से, यारों से, सबसे ये होता है कि भाई आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो बाहर, हमें इसका क्या फ़ायदा लाभ मिलेगा, यू नो एक कुछ लेवल तक आपको ये भी लगता है कि एक तरह से हम थोड़े से सेल्फिश होके बाहर जा रहे हैं, अपनी लाइफ को सुधारने के चक्कर में बाहर जा रहे हैं। तो वो जो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये सही अप्रोच कुछ हद तक कह सकते हो आप कि उनकी फीलिंग ऐसी है, पर हम वापस अपने राज्य को, अपने देश को देना चाहते हैं। तो एक वो ड्रीम है कि कई सारी अगर थोड़ा सा भी सुधार कर सकें राजस्थान के हेल्थ केयर में, इंडिया के हेल्थ केयर में, तो हमको वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो एक तो वो चीज़ जो है उसको अप्रोच करना है, और दूसरा कई चीज़ें और हैं वर्ल्ड लेवल पे WHO के साथ में, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही, उसमें हम कुछ अपना रोल प्ले करें आगे जाके, और दुनिया देखें और दुनिया से मिलें और पढ़ें और नॉलेज एक्वायर करें, बिकॉज आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज है, नॉलेज इज पावर। तो उसका विस्तार करें और जो खुद शेयर सीखें वो अपने जितने लोगों से शेयर कर सकें वो करें। तो ये चीज़ें हैं और आगे देखिए, समय आपको नए नए शौक देता है, आपको पता, आपको खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, और बस यही है कि सिंसियरली कोशिश करते रहेंगे और जैसे समय आएगा उस हिसाब से और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, लाइफ चेंज होती रहती है, थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है, चेंज इज द ओनली थिंग व्हिच इज परमानेंट इन लाइफ, बस उसको जिए जाना जरूरी होता है अच्छे तरीके से। और आपकी जर्नी बड़ी इंस्पिरेशनल है, सुनने में भी, देखने में भी, और आप तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक मजा आ रहा है आपको
काम करने में। जो यूथ है, यंग है हमारे इंडिया का, इंडियंस, राजस्थानी, उनको आप क्या एक मोटिवेशनल थॉट आज इस सेशन के माध्यम से देना चाहेंगे, जो लोग अभी, क्योंकि स्पेशली अभी वाला जो वक्त चल रहा है वो बहुत ही कठिन चल रहा है, लोग माइग्रेट होकर भी राजस्थान फिर से लौटे हैं, अपने अपने जो लोग दूसरे राज्यों के हैं वो वहाँ गए हैं, बेरोजगारी अभी ज्यादा हो गई है और हर तरह से हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है, तो इस टाइम के लिए पर्टिकुलरली आप क्या मोटिवेशनल थॉट देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि भाई लाइफ में चैलेंजेस हर किसी के आते हैं और हर समय में अपनी अपनी अलग चैलेंजेस होती हैं। हमारे समय में अलग चैलेंजेस थी, अभी करंट में वो चल रही हैं और आगे आने वाले चैलेंजेस तो कभी कम नहीं होंगी, मुश्किलें तो हमेशा रहती हैं। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, पूरी कोशिश करनी है और जो रास्ता आप, मैं सबसे ये कहता हूँ, जो रास्ता आप चलना चाहते हैं अगर उस पर कोई ऑलरेडी चल चुका है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। भाई मैं डॉक्टर की बात कर लेते हैं, तो मैं जैसे कि मैं जब 11th में था तो जोधपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में जाके सबसे मिलता था कि भाई आप वो रास्ता पार कर चुके हो जिस रास्ते पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप मुझे गाइड कीजिए, ठीक है, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, क्या गलतियाँ होती हैं, तो दूसरों की गलतियों से सीखिए क्योंकि अपनी गलतियों में समय व्यर्थ हो जाता है, तो आप वो कीजिए। और अगर आपको दुनिया में कहीं और जाके कुछ और सीखना है तो हमारे जो डोरी पैनल के अंदर डॉक्टर्स हैं अलग अलग दुनिया में हर जगह पे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। हम एक मंथली एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। और साल में एक बार हम हर कोई वापस आता है राजस्थान अपने परिवार से मिलने भूमि में, तो हम मिलेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। कुछ सालों पहले मैंने जोधपुर मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया था ऐसा, जिस तरह आप US और UK और बाहर के एजुकेशन को कैसे कर सकते हैं, तो डोरी के माध्यम से हम ये भी कोशिश रखेंगे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो क्या क्या अप्रोच करना चाहते हैं, कैसे कैसे आप आगे का फ्यूचर करना चाहते हैं, तो ओपन हेल्पफुल। तो बस कोशिश यही है कि बेसिकली हिम्मत ना हारें मुसीबतों से, कोशिश करते रहें और सफलता उन्हीं की मिलती है जो पूरी कोशिश करते हैं, तो कोशिश में नहीं। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही मोटिवेशनल थॉट के साथ हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और सभी व्यूअर्स को मैं बता देना चाहती हूँ कि डोरी डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि राजस्थान के डॉक्टर्स हैं, मूल रूप से यहाँ के रहने वाले हैं और इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में आज वो अपना काम कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे लेवल पे। वो राजस्थान के लिए आज फिर से कुछ करना चाहते हैं और उसमें उनको साथ निभा रहा है राजस्थान फाउंडेशन, जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए कार्य करता हुआ एक संगठन है हमारे राजस्थान में, और साथ में है सिंपली जयपुर, अंशु हर्ष की टीम, सुमेंद्र हर्ष की टीम, जो प्रेस फॉर प्रोग्रेस के लिए कार्य कर रही है पिछले 8 सालों से मैगजीन और न्यूज़पेपर और दूसरे इवेंट्स के माध्यम से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसी की कड़ी में आज हमारा ये कार्यक्रम था जिसमें हम डॉक्टर जयवीर से रूबरू हुए, और हर संडे को हम एक इंटरनेशनल डॉक्टर से आप सभी को मिलवाएंगे। तो आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमसे फेसबुक के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे क्वेरीज ले सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़कर डोरी की और मजबूत, इस डोरी को आप और मजबूत बना सकते हैं। तो डॉक्टर जयवीर, आपने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। डोरी की पूरी टीम को धन्यवाद, राजस्थान फाउंडेशन की टीम को धन्यवाद और सिंपली जयपुर की तरफ से मैं अंशु हर्ष आपका आभार अभिव्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स के लिए भी, और वेरी मच मगड़ी।